साउथ अफ्रीका से इंडिया पहला टेस्ट। भारत ने पहले में उतना खास स्कोर नहीं बना पाया, 245 पे ऑल आउट हो गए। मैच के पहले दिन एक शानदार दृश्य को देखने को मिला, जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। अपने शतक पूरा करने के बाद रिंकू सिंह डगआउट में बैठ कर उनकी ताली बजाई। विराट कोहली जब बैटिंग करने आने वाला था, उनका साथ भी देखा गया डगआउट में। साउथ अफ्रीका ने अभी तक 258 रन बना चुके, 11 रन के लीड मिल चुका उन लोग को। भारत की गेंदबाजी की उतना खास परफॉर्मेंस देखने को मिला साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। भारतीय गेंदबाज को अभी भी साथ साउथ अफ्रीका रोकने के लिए मैच के दूसरे दिन एक शानदार दृश्य देखने को मिला। रिंकू सिंह ऑन द फील्ड देखने को मिला, साउथ फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए। रिंकू सिंह भारत का टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, तब भी फील्डिंग करते हुए देखा गया। हाल ही में T20 सीरीज हुआ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, रिंकू सिंह काफ़ी बार अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। फैंस यही चाहते रिंकू सिंह कब टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करें।